रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लाइफो फाइफो इस पे जो है वो बात कर ली है और पहले क्वेश्चन को ही हमने लिया हुआ है, चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1, उसके दो पोर्शन हम कर चुके हैं। आज हम एवरेज मेथड को सीखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खोल लीजिए और एवरेज मेथड को समझिएगा। ये जरा टेक्निकल है, थोड़ा सा कैलकुलेटर आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। दूसरा, ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट ये थी कि जनाब क्वेश्चन नंबर 1 का लाइफो और फाइफो मैंने करवाया, तो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 2 का लाइफो और फाइफो आप लोग कीजिएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का आज एवरेज मैं करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के एवरेज मेथड को आप लोगों ने सॉल्व करना है ताकि आपको पता चल सके कि हमें समझ आई है या नहीं आई। और आप लाइफो और फाइफो को सीखना चाहें तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। दूसरा, ये देखने में इंतहाई इजी टॉपिक है लाइफो फाइफो एवरेज, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। आप इसको अच्छे से जो है वो तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे भाई और हम क्वेश्चन नंबर 1 का आज तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं एवरेज मेथड की सूरत में। हम जो मटेरियल कार्ड है उसको बनाने जा रहे हैं, तो जरा मुझे बताइएगा आपके पास जो है वो कितने यूनिट आपने रिसीव किए? 200 यूनिट जनाब आपने रिसीव किए। किस रेट से? 8 के हिसाब से, तो ये आंसर आ गया 1600 जनाब। उसके बाद आप इसको सेम यहाँ पर लिखेंगे, आप बोलेंगे जनाब हमारे पास 200 यूनिट है और 8 रुपए का 1 यूनिट है और हमारे पास जनाब 1600 के यूनिट्स हैं। ये आपका पहली जो है ट्रांजेक्शन, ये आपकी कंप्लीट है कि आपने यूनिट परचेज किए थे तो उनको आप लिख चुके हैं। आपके पास 3 देख रहे हैं इसके पोर्शन है, एक रिसीव का, एक इशू का, एक बैलेंस का। अब जरा दूसरी ट्रांजेक्शन मुझे बताएं और समझिएगा जरा क्या होने लगा। कितने यूनिट रिसीव किए? 50 यूनिट रिसीव किए। जरा गौर से देखिएगा बेटा, 50 यूनिट रिसीव किए, एक यूनिट कितने का? 10 का। टोटल कितने के हुए? 500 के। अब जरा बैलेंस देखिएगा, आज का बैलेंस स्टूडेंट्स चेंज है। बैलेंस अब कैसे निकलना देखिएगा, आपके पहले यूनिट कितने हैं? 200। मजीद कितने नहीं है? 15। टोटल कितने हो गए? 250। फिर उसके बाद वो जो 200 यूनिट है वो कितने के थे? 1600 के। मजीद कितने के खरीदे हैं? 500। तो टोटल कितना हो गया? 2100। यहाँ 21 लिखा जाएगा और पर यूनिट कॉस्ट में अब हम क्या करेंगे, 2100 डिवाइडेड बाय 250। तो क्या आंसर आ गया? 8.4। बात समझ आई जी? अगर नहीं समझ आई तो जरा दोबारा गौर कीजिएगा, आने वाली ट्रांजैक्शन में आपको फिर से बता रहा हूँ। ले जी, हमारी एक ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। मजीद जी, नेक्स्ट वन, हमने यूनिट इशू किए कितने? हमने 100 यूनिट इशू किए और एक यूनिट कितने का? अब ये वाला रेट लेना है 8.4, तो आंसर क्या आ गया? 840। अब देखिए बकाया यूनिट कितने रह गए हैं, इसमें से 100 माइनस कर दें तो बकाया रह गया 150। 250 में से ये 100 माइनस कर दें तो बाकी 150 रह गए और रेट उनका यही है फिलहाल 8.4, तो आंसर क्या आया? 1260। ये हमारे पास जो है वो मुकम्मल होगी एक मजीद ट्रांजेक्शन। इसके बाद फर्दर देखिए ना, हाँ नई यूनिट रिसीव किए कितने? 120। किस रेट से? 12 के हिसाब से 1440। ओके हो गया जी। आप जरा देखिएगा पहले कितने यूनिट है? 150। मजीद कितने लिए? टोटल कितने हो गए? 270। कितने के लिए? 1440 रुपए के। कितने पहले थे? 1260। 1440 जमा 1260 क्या जवाब आया? 2700। मेरा बेटा आप 2700 को डिवाइडेड बाय 270 करते हैं तो आंसर क्या आ गया? 10। ले जी, आप देख रहे हैं किस तरह से एवरेज निकल रही है, हम एवरेज निकाल निकाल के लिख रहे हैं। ले जनाब, बैलेंस भी हो गया। नेक्स्ट इशू किए हैं, हमने यूनिट इशू किए कितने? 170। किस रेट से? 10 के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से। तो जनाब कितना हो गया? 1700। बकाया कितने रह गए?
270 में से 170 माइनस करें 100 और एक यूनिट कितने का है 10 का, तो जवाब क्या आ गया 1000। ले जनाब आपका ये कंप्लीट है एवरेज मेथड। अब इस एवरेज मेथड में हमने दो जवाब उसे बताने होते हैं हमेशा, मटेरियल यूज कितना हुआ और मटेरियल इन हैंड कितना है। मटेरियल इन हैंड तो उसको कहते हैं जो आपके पास एंड पे बच जाता है। तो जनाब आपका क्लोजिंग मटेरियल मेरे भाई, क्लोजिंग मटेरियल आपके पास जो है वो कितने का है 1000 रुपए का, और जो हमारे पास मटेरियल यूज है इशूड जो है ना, वहां उस वक्त इशू करते हैं जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, तो हमने कितना इशू किया है 840 का है, 1700 का है, टोटल कितना मटेरियल इशू किया, ये जो इशू किया इसको हम कहते हैं मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड जी मेरे भाई 2540। ये जनाब आपका देख लें दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। हमने लाइफो फाइफो एवरेज तीनों मेथड सीख लिए हैं। इन तीनों मेथड को आपने तैयार करने के लिए फर्दर दो सवाल आप लोगों ने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिर से मैं करवाऊंगा, तो आपका इंशाल्लाह अगर उसमें जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर ले। जो चीज ना समझ आई हो दोबारा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।